अब आपको पूरी घटना विस्तार से बताते हैं, आखिर ये पूरा विवाद कैसे शुरू हुआ। जूनागढ़ में दरगाह को नोटिस मिलने को लेकर विवाद। दरगाह मजेवड़ी गेट के सामने रास्ते के बीचों बीच बनी है, जिससे हटाने के लिए महानगर पालिका ने जारी किया नोटिस। धार्मिक स्थल अवैध तरीके से बनाया गया है। 5 दिनों में कानूनी रूप से सही होने का सबूत पेश करने को कहा गया था, सबूत पेश नहीं करने पर दरगाह को तोड़ दिया गया। नोटिस पढ़ते ही जिहादी तत्व भड़क गए और नारे लगाने लगे। पुलिस ने जब उन्हें रोकने की कोशिश की तो वो हमलावर हो गए। तो जिस तरीके से सबूत पेश करने को कहा गया था और तमाम नोटिस भी जारी कर दिए गए थे, लेकिन उसी बीच कुछ ऐसा होता है जिसे देखकर उपद्रवियों भड़क उठते हैं और उसके बाद कट्टरपंथियों की भीड़ लग जाती है। तो तमाम आपने तस्वीरें भी देखी कि इस तरीके से पुलिस पर पत्थर फेंकते हुए जिहादी नजर आ रहे हैं और लगातार किस तरीके से एक एक तस्वीर साफ बयां कर रही है कि किस तरीके से वहां पर उपद्रवियों का, जिहादियों का एक जमावड़ा लग जाता है, जो कि सिर्फ ये दिखाता है कि किस तरीके से एक अवैध मजार को अतिक्रमण के तहत हटाने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन उसी बीच कुछ ऐसा होता है कि 200 से 300 लोगों की भीड़ लग जाती है और वो 200 से 300 लोग उपद्रवी बन जाते हैं, जिहादी बन जाते हैं, जिसके बाद वो प्रशासन को भी मारपीट देते हैं, पत्थरबाजी शुरू कर देते हैं, फिर उसके बाद कुछ ऐसा कर देते हैं जिससे कि ये तस्वीरें गुजरात से प्रचलित होते होते विश्व में छा जाती हैं। तो इसी खबर पर आज हम चर्चा करने वाले हैं और ये चर्चा का जो मेन मकसद है हमारा वो यही है कि जूनागढ़ में जिहादी उन्माद, और इसको लेकर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं और इसी चर्चा में हमारे साथ कुछ मेहमान भी जुड़ने वाले हैं। तो चलिए आपको उनसे मिलवा लेते हैं। बीजेपी से हमारे साथ जुड़ने वाले हैं सुरेंद्र कुमार, जो बीजेपी प्रवक्ता है। VHP विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता अमितोष पारिक भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और मुस्लिम स्कॉलर हाजी नाजिम जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप तीनों का पहले बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल न्यूज वॉच इंडिया में। सबसे पहला सवाल मैं मुस्लिम स्कॉलर हाजी नाजिम जी से लेना चाहूंगी कि जिस तरीके से एक मामला सामने आता है, गुजरात में पहले ही बिपरजॉय को लेकर तूफान मचा हुआ था, लेकिन उसके बाद अवैध मजार पर जब बुलडोजर चलने वाला था तो एक अलग तूफान देखने को मिला। आखिरकार पत्थरबाजी करने की क्या जरूरत पड़ी? संविधान में हमारी आस्था है, हम कानून व्यवस्था को अच्छी तरीके से जानते हैं, लेकिन दरगाह के बीच चौराहे में आ रहा एक नोटिस उसको जारी कर दिया गया हटाने के लिए। ये बताइए कि ये दरगाह को ही टारगेट क्यों करा जाता है? क्या रास्ते बीच में और भी तो मंदिर आते हैं, लेकिन कभी ऐसा नहीं है चाहे वो दरगाह हो या मस्जिद हो, उसको टारगेट किया जाता है, मदरसों को टारगेट किया जाता है। ये सब क्या है? ये सब देश का माहौल खराब करने की स्थिति है। और जिस तरीके से मैं सुनिए, मैं जिस तरीके से वहाँ एक उत्पादी माहौल बना, वहाँ पत्थरबाजी भी हुआ, मुस्लिम समाज की तरफ से कुछ झगड़ा भी हुआ, लेकिन उसके बाद के जो हालात बने वो बड़े सोचने विचारने वाले हैं। जहाँ पुलिस महकमे ने उन जो आरोपी थे उनको पकड़ा, जिन्होंने दहशत का माहौल बनाया था, दरगाह के सामने उनके ऊपर बैल पटाए, बैलों से मारा गया, डंडों से मारा गया, ये सब क्या है जी? सुरेंद्र जी, मैं अब आपके पास आना चाहूंगी। हाजी नाजिम जी, मैं आपके पास फिर लौटूंगी, उससे पहले सुरेंद्र जी मैं आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरीके से गुजरात में पहले ही बिपरजॉय का तूफान मचा हुआ था, उसके बाद हम देखते हैं कि अवैध मजार को जब नोटिस दे दिया जाता है कि 5 दिन का वो अपना क्लेम भी प्रूफ कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद जब मजार पर बुलडोजर चलने लगता है तो 200 से 300 लोगों का जमावड़ा लग जाता है और फिर पत्थरबाजी शुरू हो जाती है। निश्चित ये देखिए, सबसे पहली बात ये होगी कि नाजिम भाई ने क्या कहा वो उनकी आवाज सुनाई क्लियर नहीं दिया, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ। जब वहां पे बीच रोड पे है, नगर निगम ने नोटिस जब जारी किया,
और जब उनको टाइम भी दिया कि आप जो है 5 दिन का आपको वक्त देते हैं, आप ये साबित करो कि वो सही है तो हम नहीं हटाएंगे। लेकिन उससे पहले जो है जिस प्रकार से अराजकता, हिंसा, दंगा कराने का ये साजिश रचा गया जी। इसमें भी राजनीतिक खेल। देखिए कुछ दिनों से, पिछले 9-10 वर्षों से जो है पूरे देश के अंदर जो है कहीं पे हिंसा, दंगा, अराजकता, या आप ये कह सकते हैं कि कहीं आतंकवादी हमला नहीं हुआ। लेकिन कुछ जो राजनीतिक रोटी अपना जो सेकना चाहते हैं उसको जो है शांति हो उसको बैठे रहना ठीक नहीं लगता। वो हमेशा से जो उनकी पुरानी आदत थी कि कहीं पे दंगा करा दो, कहीं पे हिंसा करा दो, कहीं बम फोड़वा दो और इस देश के अंदर जो है हिंदू मुस्लिम करा दो, इस देश का विकास कैसे हो उसके बारे में उनको कुछ लेना देना नहीं है। उनको अपनी राजनीतिक जो रोटी जो है वो सेकता रहे, उनकी अपनी जो राजनीतिक जो चर्चाएं है वो होते रहे, बस उनकी अपनी ही पड़ी हुई रहती है। और इसमें भी जो जो लोग आए हैं, देखिए हम ये नहीं कहते कि इस देश के अंदर सारे मुसलमान खराब है। जो कुछ लोग हैं जिनको राजनीतिक रोटी सेकनी है, जिनको जो वो जो कुछ हमारे मुसलमान भाई जिनको समझ कम आता है उनको इस आग में जो है धकल दिया जाता है। नहीं तो हमारा तो नारा ही है सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, हम तो सबके साथ लेके चलने वाले लोग हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने सबके लिए विकास करने का काम किया। जब जनधन योजना के माध्यम से जब खाता खुला गया तब हमने किसी से ये नहीं पूछा कि आप किस समाज से आते हैं, आपका खाता खुलेगा या नहीं खुलेगा, चाहे वो फ्री में अनाज देने की बात हो तब भी हमने नहीं पूछा। लॉकडाउन के टाइम में जब हम वैक्सीन देने की बात आई कोरोना काल में तब भी हमने किसी समाज से ये नहीं पूछा कि आप इस धर्म से हैं तो आपको आपको नहीं मिलेगा। बल्कि ये राजनीतिक करने वाले लोगों ने ये कह दिया था कि ये वैक्सीन भी मोदी जी का है जी। तो देखिए राजनीतिक करने वाले लोगों को तो हमेशा से रहेगा कि देश जो है आगे ना बढ़े, देश का विकास ना हो, प्रदेश की विकास ना हो और प्रदेश जो है शांति से ना रहे जी। तो इस तरह का जो है ये राजनीति करने वाले लोग जो है। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से इतना जरूर कहूंगा कि जो भी हमारे देश के अंदर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई रहते हैं उनको वहीं रहना, ये नहीं है कि आज उन्होंने दंगा कर दिया या वो पत्थर फेंक दिया तो वो वहां से कहीं दूसरे जगह चले जाए जी। उनको वहीं रहना है। जो हमारे पुलिस कर्मी जो घायल हुए वो भी उसी जगह रहेंगे। तो अगर आपसी में अगर आप मेल जोल के अगर नहीं रहेंगे, अगर आप इस तरह का हिंसा करेंगे, इस तरह का दंगा करेंगे तो ना तो ये आपके लिए अच्छा है ना ही प्रदेश के लिए अच्छा जी। इसी के साथ अमितोष जी मैं आपसे भी एक सवाल लेना चाहूंगी कि जिस तरीके से हम ये पूरा मामला देख रहे हैं, 5 दिन का नोटिस दिया जाता है और इन्हें क्लेम प्रूफ करने का समय दिया जाता है, पेपर्स देने के लिए भी उन्हें समय दिया गया था, लेकिन ऐसा क्या मामला होता है, आपको क्या लगता है इसके पीछे की वजह कि ये इतना ज्यादा उपद्रवी बन जाता है और इतना ज्यादा मामला हिंसक हो जाता है? निशी जी, सबसे पहले तो प्रथम मैं ये कहूंगा कि जो हमारे यहाँ पे इस्लामिक स्कॉलर बैठे हैं वो मामला क्या होता है, किस तरह से ये मामले को रखते हैं, दोनों में बहुत विषांतर होता है जी। आप मामला उठा के देखेंगे जूनागढ़ का, तो उस मामले के अंदर में सबसे पहले 2009 में भी नोटिस दिया जाता है और 2 महीने का समय भी दिया जाता है जी। लेकिन उसके बावजूद भी कोई कागज नहीं प्रदान किए जाते, ना ही कोई एविडेंस दिए जाते हैं। और क्यों नहीं दिए जाते? सीएनआरसी के समय भी कागज और मांगी थी, यही हुआ था, दिल्ली के अंदर दंगे भड़का दिए गए थे सीएनआरसी के नाम पे कागज मांगते और उनसे साक्ष्य प्रस्तुत हेतु मांगते हैं तो साक्ष्य देते नहीं। लेकिन जब इलीगल इंक्रोचमेंट की बात करते हैं तो अभी जब न्यूज पढ़ेंगे और जब पूरी क्लीन स्कीम देखेंगे तो इसके अंदर एक बहुत चीज निकलती है कि 170 तो मजारे और साथ में लिखा है 18 अगर रिलीजियस स्ट्रक्चर, तो सिर्फ मजारे ही है वहां पे, ग्रेवियर्ड भी है जो कब्रिस्तान के दफना दिए गए वहां पे, वहां मजार भी है, वहां दरगाह भी है, वहां पे कई डेयरी बूथ भी है, वहां पे अन्य तरह के जितने भी इलीगल स्ट्रक्चर है उनको डेवलपमेंट के नाम पे विस्तार हेतु करने के लिए हटा दिया जाएगा। अब आप देखिए कितनी बड़ी बात है, जब इनसे साक्ष्य मांगे इन्होंने साक्ष्य नहीं दिए, तोड़ दिया तो ये सड़कों पर आ गए। सड़कों पर कब आते हैं मैं बताता हूँ, सड़कों पर ही आते हैं फ्राइडे को। क्यों आते हैं शुक्रवार की? क्योंकि शुक्रवार की नमाज होती बहुत महत्वपूर्ण बात होती है इनके लिए। शुक्रवार की नमाज में मोहम्मद ने ये बात कही थी कुरान के मुताबिक कि जो भी शुक्रवार की नमाज करेगा उसको एक रिवॉर्ड दिया जाएगा, उसकी सारी प्रेयर माफ कर दी जाएगी, सारी फास्टिंग 1 साल की माफ कर दी जाएगी और रिवॉर्ड दिया जाएगा। रिवॉर्ड क्या दिया जाएगा निशी जी? रिवॉर्ड दिया जाएगा आपको जन्नत में जाएंगे तो बेहतर हूरें मिलेंगी,
किसको मिलेंगे जो जिहाद करेगा, इसलिए इस चीज को जिहाद दी गई। तो मैं इनसे एक और बात बताता हूँ, एक और बात आप देखिए कि जिस तरह से पुलिस वालों के ऊपर में इन लोगों ने पत्थरबाजी करी, तो ये तो इनका इतिहास रहा है। पत्थरबाजी कब कब करते हैं, मैं आपको एक आंकड़ा बताता हूँ और कुछ इंसिडेंट्स बताता हूँ जहाँ पे समझ में आएगा कि हर पत्थरबाजी फ्राइडे की नमाज के बाद हुई है। कहाँ कहाँ हुई है, आप कानपुर में उठा के देख लीजिए, आप शाहजहानपुर में उठा के देख लीजिए, आप मार्च 2003 का जमा नमाज में वेस्ट बंगाल के अंदर में राम नवमी के ऊपर उठा के देख लीजिए पत्थरबाजी करी थी, जून 3 2022 में कानपुर में कर दी, अप्रैल 2022 में इन्होंने शाहजहानपुर में कर दी, जिसमें 20 पुलिसमैन जो थे वो घायल हुए थे और 40 सिविलियन को मार दिया गया था। इसके अंदर भी 40 सिविलियन नहीं लेकिन एक सिविलियन मरा है और कितने पुलिस वाले घायल हुए हैं। तो इस तरीके की बातें जो होती है विस्तार के नाम पे अगर हटाए तो हटाइए ना, इलीगल स्ट्रक्चर है क्या ये, पहली मजार है नहीं, हिंदू के मंदिरों को भी तो तोड़ा गया था। अलवर के अंदर में राजगढ़ में आप देख लीजिए 300 वर्ष पुराना मंदिर को तोड़ दिया विस्तार के नाम पर, एक भी हिंदू सड़क पे उतरा नहीं उतरा, क्योंकि विस्तार पहले। लेकिन जिस तरह से दिल्ली के अंदर में जब इलीगल मजार तोड़ी गई थी, अवैध मजार तोड़ी गई थी, तो पता है क्या कहा था कि हमारे दरगाह और मजार पहले है और विस्तार बाद में, भारत बाद में, डेवलपमेंट बाद में। तो जब उत्तराखंड के अंदर में 300 मजारें आ जाती है जिम कॉर्बेट के अंदर में, तो वहां पे क्या होता था, और जब यहाँ पर एक विस्तार हेतु तोड़ा जा रहा है तो तोड़वाइए ना, भारत के विस्तार की बात करते हैं, भारत आपका देश है तो क्या दिक्कत आ रही है। लेकिन सड़क पे उतरना, नारेबाजी करना, जिहाद फैलाना, रोकना, प्रशासन के ऊपर पत्थरबाजी करना, ये क्या आपका इतिहास है, आपको शर्म आनी चाहिए इस तरीके की पत्थर करते हुए प्रशासन के विरुद्ध। जी, इसी के साथ अब मैं हाजी नाजिम जी फिर से आपके पास आना चाहूंगी, जिस तरीके से हम ये पूरा मामला देख रहे हैं, और ऐसा कहा गया है कि जब 5 दिन का आपको नोटिस मिला था तो उसके बाद भी जब डिमोलिशन के लिए प्रशासन गया तो उनको फिर भी जो मौलाना थे वहां के, उन्होंने कहा कि हम बातचीत करके सुलझा लेते हैं मामला, लेकिन उसके बाद भी 200-300 लोगों को बुला दिया जाता है बातचीत के लिए, तो इसके पीछे का आपको क्या लगता है कारण, 200-300 लोगों की क्या बातचीत होती है? देखिए निशी जी, जिस तरीके से जूनागढ़ के अंदर एक ये मामला बन रहा है दरगाह को लेकर, मैं बार बार एक ही बात के ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से एक नोटिस जारी करा गया उसको हटाने के लिए, तो ये जो है सारे शांति से भी मामला सुलझा जा सकता था, लेकिन कुछ असामाजिक तत्व तो उसको माहौल खराब करने के लिए वहां बीच में आते और लड़ाई दंगा करवाते, वो सिर्फ एक मुस्लिम जो छवि है उसको खराब करने की कोशिश करते, लेकिन भारत का जो मुसलमान है अमन पसंद वाला है, वो चाहता कि देश के अंदर अमन व सुकून बना रहे। नाजिम जी आपको वहां पर अल्टीमेटम दिया गया था 5 दिन का, उस नोटिस के दौरान आपको अपना क्लेम प्रूफ करने का समय दिया गया था प्रशासन द्वारा, आपके पास वो कानूनी दस्तावेज कहाँ थे, आप उसको दिखा सकते थे तभी उसके बाद डिमोलिशन की कार्रवाई होती, कागज कहाँ थे वो? देखिए नीति जी, मैं बता रहा हूँ ना आपको, ये जो बात करने के लिए बात कही गई थी उसके लिए बात करी जाती थी, वो डॉक्यूमेंट जो थे वो लीगल वाले सारे दिखाने वाले थे, लेकिन वहाँ एक माहौल ऐसा बन गया कि वहाँ जो लड़ाई झगड़ा हो गया, फिर उसके बाद जो बात नाजिम जी मैं यही जानना चाहती हूँ, नीति जी बात तो सुनिए तभी तो पता चलेगा पूरे, जी आप बताइए, फिर सुनिए बात आप सुनेंगे तो देश को भी पता चलेगा और ये भी पता चलेगा कि हम कह क्या रहे। वहाँ जो बाढ़ मचा उसके बाद जो पुलिस कार्रवाई हुई वहाँ पर, ये बताइए दरगाह के सामने जो एक दंगा उपद्रवी का नाम जिनको दिया गया उनको किस तरीके से मारा पीटा गया, क्या ये बताइए कि भारत के अंदर संविधान नहीं है, जो कानून के रखवाले, क्या उनको कानून में विश्वास नहीं है, दरगाह के सामने इस तरीके से पीटना, ये कौन सा मौलिक अधिकार वाली बात है, ये बिल्कुल गलत है, ये संविधान की बात कर रहे हैं। नाजिम जी आप मेरी बात सुनिए, नाजिम जी आप पहले मेरी बात सुनिए, आप संविधान की बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि मुस्लिमों को मारा गया था, लेकिन जब आप पत्थरबाजी करते हैं फिर उसके बाद फिर डीएसपी घायल हो जाते हैं, 4 और पुलिसकर्मी घायल हो जाते हैं, एक युवक की मौत हो जाती है उस बीच, तब आपका संविधान कहां गया, तब आपकी कानूनी कार्रवाई कहां गई, आपके वो दस्तावेज कहां गए? मुसलमान हमेशा संविधान को मानता है, यहाँ पर कहा संविधान दिखा नाजिम जी, यहाँ संविधान कहाँ था? उनके लिए कानून है ना, कानून के तहत उनको सजा। नाजिम जी अगर आप संवैधानिक तौर पर चलते, नाजिम जी अगर आप संवैधानिक तौर पर चलते, आप पूरी कानूनन कार्रवाई के तौर पर वो दस्तावेज डिमोलिशन से पहले सबमिट करा देते तो ऐसी नौबत ही ना आती, और आप बातचीत की बात कर रहे हैं, संविधान से चलने की बात कर रहे हैं, तो 200-300 लोगों का जमावड़ा आया कहाँ से वहाँ पे? देखिए नीति जी, जब आस्था का विषय बनता है, चाहे वो हिंदू समाज की तरफ से या मुस्लिम समाज की तरफ से, जब आस्था का विषय, अरे हमें तो बात सुनिए, अगर आप
अमितोष जी मैं आपके पास आती हूँ। हाँ जी नाजिम जिनके पास में अमितोष जी आपके पास आती दुकान में लौटे वहाँ पर एक आतंक मचाया। ऐसा नहीं है जहाँ हर तरह का माहौल बनता है वहाँ कुछ ऐसे सामाजिक तत्व होते हैं जो इस तरीके का रूप धारण करते हैं जो देश का माहौल खराब करने की कोशिश करते हैं। निश्चित जी जो भी दोषी है उनको सजा मिलनी चाहिए। मैं कहता हूँ कि जो दोषी है उनको सजा मिलनी चाहिए लेकिन दरगाह के सामने उनको बेल्टों से पीटा जाता है मुस्लिम समाज को। देखिए देखिए नाजिम जी, नाजिम जी एक तरफ आप अपने नाजिम जी एक तरफ अपने समुदाय को आप डिफेंड करते हैं कि उनको बेल्टों से मारा गया, वो तस्वीरें संवैधानिक तौर पर नहीं चली, फिर उसके बाद एक तरफ आप कहते हैं उन्हें सजा दे देनी चाहिए।